हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, होली आ गया है और दही बड़े बनाने के लिए हमें बहुत पहले से प्लानिंग करना पड़ता है, लेकिन आज हम इंस्टेंट दही बल्ला बनाने जा रहे हैं। इसे हम रवा से तैयार करेंगे और बहुत ही जल्दी यानी कि आधे घंटे के अंदर अंदर आपके घर में दही बल्ला तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और इस रेसिपी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। रवा दही बल्ला बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कटोरी रवा लिया है। रवा हमने यहाँ पे बारीक वाला लिया है। अगर आपकी रवा मोटी हो तो उसे मिक्सर में पीस लीजिए। अब हम इसे बड़ा बॉल में डाल देंगे। 2 कटोरी रवा के लिए हम यहाँ पे 1/2 कटोरी दही ले रहे हैं। तो आप जिस भी मेजर से मापिए, आधी दही होनी चाहिए रवा के माप में। दही डाल देंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। इसको हम चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। दही ताजी होनी चाहिए, दही भल्ले में खट्टी दही ज्यादा नहीं पड़ती। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो हमने जिस कटोरी से दही लिया है उसी कटोरी से माप के पानी डाल रहे हैं। 1 कटोरी हम पानी डाल रहे हैं और इसे हम फेंट लेते हैं। तो हमने 2 कटोरी रवा में 1 कटोरी दही और 1 कटोरी पानी डाला। ये बढ़िया सा बेटर अपना तैयार हो गया है दही बल्ले के लिए। अब हम इसे ढक के 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। इससे क्या होगा, रवा अपनी अच्छे से दही के साथ फूल जाएगी। 20 मिनट हो चुका है, चलिए हम बेटर चेक कर लेते हैं। तो अपनी बेटर अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। 1/2 चम्मच हम अदरक का टुकड़ा डालेंगे जिसे हम काट के रख लिए हैं। और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसे फेंट लेंगे। तो आप देख सकते हैं सोडा डालने के बाद अपनी बेटर एकदम हल्की हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसे ही चाहिए बड़े के लिए। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हम एक बॉल में पानी गर्म कर लेंगे। पानी में हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच शक्कर, 1 छोटी चम्मच हींग। हींग डालने से दही बल्ला का स्वाद बढ़ जाता है और ये डाइज भी अच्छे से हो जाता है। अब इन पानी में हम सारी सामग्री को घोल लेंगे। आप देख सकते हैं पानी गर्म हो चुका है। तो ये पानी हमने गर्म क्यों किया, हम दही बल्ला निकालेंगे कड़ाही से और इसमें हम डुबा के निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने पानी तैयार कर लिया। पानी गर्म करने के बाद हम यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रख लिए हैं। तेल को हमें अच्छा खासा गर्म होने देना है, यानी कि हाथ में हीट आनी चाहिए, इतना तेल हमें गर्म करना है। न ज्यादा तेज न ज्यादा ठंडा, मतलब मीडियम रखना है हमें। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम दही बल्ला कैसे डालेंगे वो आपको बता दे रहे हैं। अब हम 1 कटोरी लेंगे। कटोरी पर 1 कपड़ा रखेंगे और कपड़ा को हम पीछे से ऐसे एकदम टाइट फिट पकड़ेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये कशा कशा कपड़ा है। अब हम इस कपड़े को पानी से थोड़ा सा ऐसे गीला कर लेंगे। आप देख सकते हैं कपड़ा गीला है, मेरा हाथ गीला है। अब हम इसमें से थोड़ा सा बेटर लेंगे, यानी कि हमें जितने बड़े दही बल्ले बनाने हैं उतना बेटर लेना है और इस कपड़े पे ऐसे रख देना है। फिर हम इस गीली हाथों से इसे एक गोल शेप देंगे। आप देख सकते हैं इस दही बल्ले को हम हाथ में वापस ले लेंगे ऐसे। और अब हम इसे तेल में डालेंगे। तो हम धीरे से इस तेल में दही बल्ले को छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं तेल न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडा है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम तेल को गर्म किए हैं।
दही बल्ला धीरे धीरे अपना फूल के ऊपर आएगा। तो ऐसे ही हम सभी दही बल्ले कपड़े पे रखते हुए हथेली पे उठा लेंगे और एक एक दही बल्ले को हम ऐसे तेल में छोड़ते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी दही बल्ला फूलने लगा है। हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऐसे तेल डाल देंगे, इससे ऊपर वाला भी हिस्सा अपना है वो अच्छे से पक जाएगा। एक साइड से ब्राउन हो चुका है, हम चमची की मदद से इसे फिर धीरे से उलट देंगे। कितना बढ़िया दही बल्ला बन रहा है अपना, आप देख सकते हैं फूला फूला एकदम मार्केट जैसा बन रहा है। तो ऐसे हम सभी दही बल्ले को धीरे धीरे उलट लेंगे। दूसरे साइड से भी हम इसे ब्राउन होने तक सेकेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा दोनों साइड से अपना दही बल्ला सीक चुका है। अब हम झड़ने की मदद से इसे टेढ़ा करते हुए और प्लेट में निकाल लेंगे। ये कितना अच्छा फूला है आप देख सकते हैं। अब हम इस दही भल्ले को पानी में डुबाएंगे। तो यहाँ हमने जो गर्म पानी तैयार किया था, हींग नमक शक्कर डाल के उसमें अपना दही बल्ला धीरे धीरे छोड़ देंगे। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक डुबा के रखना है। इससे क्या होगा, अपनी दही बल्ला सॉफ्ट हो जाएगी। फिर हम इसको प्लेटिंग करके आपको दिखाएंगे। पांच मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं अपनी दही बल्ला कितनी सॉफ्ट हो गई है। उड़द का जब हम दही भल्ला बनाते हैं तो उसे काफी टाइम तक पानी में सोक करना पड़ता है, लेकिन ये इंस्टेंट रवा दही भल्ला है तो इसे हम 5 मिनट तक सोक करके रखते हैं। अब हम धीरे से एक दही भल्ला को उठाएंगे, हथेली से हल्का सा प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाएगा। अब हम इसको ऐसे प्लेट पे रखेंगे। फिर हम दूसरा दही भल्ला धीरे से निकालेंगे, हथेली से ऐसे प्रेस करेंगे, एक्स्ट्रा पानी निकल जाने देंगे और हम प्लेट में रख लेंगे। तो आपको जितना प्लेटिंग करना है उतना ही दही भल्ला पानी में डालिए, बाकी को सूखा रखिए। जब ही आपको सब्र करना है 5 मिनट पहले भिंगोइए और प्लेटिंग कर दीजिए। यहाँ पे हम 4 दही भल्ले प्लेटिंग कर रहे हैं। प्लेट में हमने पानी निकाल के दही भल्ला रख दिया, उसके बाद हम दही लेंगे। दही बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी खट्टी है तो इसमें 1/2 चम्मच शक्कर डाल के ऐसे फेंट लेना है और हम दही भल्ले पे दही डालेंगे। अगर दही पतली है तो उसे कपड़े में छान लीजिए। कुछ मिनट टांगने के बाद उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। तो हमने दही भल्ले पे दही डाल दिया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे खट्टी चटनी। अब हम इसके ऊपर डालेंगे खट्टी मीठी चटनी। इस चटनी की रेसिपी हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। इसे स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब हम डालेंगे इसमें धनिये की तीखी चटनी। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार ज्यादा कम कर सकते हैं। अब हम दही के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा हम डालेंगे जीरा पाउडर। अब देख सकते हैं कितना खूबसूरत अपनी दही भल्ला तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये रहा इंस्टेंट रवा दही भल्ला, जिसे बनाने में हमें मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी इस होली पर जरूर बनाइए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।